वेलकम है आप सबका कुमकुम भाग्या के आज के एपिसोड में। तो आज का एपिसोड कुछ यूं शुरू होता है कि ऋषभ जब हॉल में चल रहा होता है तो समीर भी उसके साथ ही मौजूद होता है। इतने में वो दोनों करण से टकराते हैं और उससे प्रीता की तबीयत के बारे में बात करते हैं, जिस पे करण बताता है कि वो पहले से तो बेहतर है लेकिन थोड़ी बदल चुकी है और उससे लड़ना झगड़ना भी छोड़ दिया है। करण की सारी बात सुनकर ऋषभ और समीर उसे थोड़ा तंग भी करते हैं और साथ ये भी कहते हैं कि शायद उसे प्यार हो गया है। वहाँ माहिरा शैडलिन को उसकी हमल की हालत में उसका ख्याल रखने में मसरूफ़ होती है और उसे खाना खिला रही होती है। करीना और दादी समझती है कि शैडलिन व्रत तोड़ देगी। जब माहिरा दादी और करीना को शैडलिन की तबीयत के बारे में बताती हैं तो वो अपनी सोच पर शर्मिंदा होती है और उसके लिए माजरत का भी इजहार करती है। दादी शैडलिन को अपनी तबीयत का ख्याल रखने के लिए कहती है। ये कहकर दादी दिवाली की तैयारियों के लिए चली जाती है और गणेश को बुलाती है ताकि वो तकरीब की सारी तैयारियों और निज़ाम को देख सके। अभी दादी गणेश से बात ही कर रही होती है कि सामने से ऋषभ आता दिखाई देता है। ऋषभ को परेशान देखकर दादी उससे सूरत हाल के बारे में पूछती है, जिस पर ऋषभ बताता है कि राखी ने महेश की तबीयत के लिए व्रत रखा है। जिस पर दादी कहती है कि वो जानती है कि राखी ने व्रत इसीलिए रखा है कि ऐसा करने से महेश उसे वापस मिल जाएगा और पहले की तरह सेहतमंद हो जाएगा। अभी वो सब आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि गणेश गिर जाता है। ऋषभ और करण दोनों उसकी तरफ भागते हैं और उसे वापस उठाने में मदद करते हैं और उसे अपनी तबीयत की ख्याल और देखभाल रखने का भी मशवरा देते हैं। इतने में वहाँ से कार्तिका आती है और वो इन दोनों को हॉल में शुरू होने वाली रस्म के लिए इन्वाइट करती है। वो दोनों कार्तिका से बार बार यही कहते हैं कि आखिर वो दोनों वहाँ जाकर क्या करेंगे, जिस पे करण कहता है कि वो प्रीता को भी अपने साथ लेकर आएगा। कार्तिका बताती है कि प्रीता पहले से ही वहाँ मौजूद है और रस्म की सारी तैयारियों में भी शामिल है। ये सुनकर करण बहुत हैरान होता है। वहाँ दूसरी तरफ करीना और दादी की आपस में बहस हो जाती है, जिस पर दादी करीना को एक थप्पड़ मार देती है और ये सब देखकर प्रीता गुस्से में एकदम आग बगुला हो जाती है और अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। दादी देखती है कि वो ठीक से चल नहीं पा रही है और ये कहते हुए वो उनकी तरफ भागती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है या नहीं, जिस पर प्रीता बार बार यही कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। प्रीता अपनी जगह पर बैठ जाती है लेकिन वो अपनी तबीयत और अपनी हालत पर काबू नहीं पा सकती। माहिरा, करीना, दादी और प्रीता, इन सब की बहस के दरमियान प्रीता की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो अपनी हालत पर काबू नहीं रख पाती है और यूं ही करते और तमाशे में मुलव्विस रहते प्रीता अपने दर्द की हालत में नीचे गिर जाती है। प्रीता माहिरा से कहती है कि वो जानती है कि आखिर उसका क्या प्लान है और वो उससे पूछती भी है कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। माहिरा कहती है कि वो चाहती है कि वो इसे तकलीफ़ में मुब्तला करे और परेशान रखे। माहिरा जाते जाते ये धमकी भी देती है कि वो जाने से पहले अपने मकसद के दरमियान ना आए। ये सारे तमाशे और बातें सुनता देख कर प्रीता की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वो अपनी हालत पर काबू नहीं रख पाती। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए अगले एपिसोड का।